बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड क्लास के स्टूडेंट, आज हमारी चौथी क्लास है। पहला चैप्टर चल रहा है और हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है बिल्डिंग अप एंड ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, ये आपके पास एक नंबर है 34। क्या नंबर है? 34। इसमें 30 जो है वो टेंस को जाहिर कर रहा है और 4 यूनिट को जाहिर कर रहा है। फोर इसमें यूनिट्स हैं। ठीक है, और ये थ्री है, ये जाहिर कर रहा है थ्री टेंस, एक टेंस, दूसरा टेंस, और जब आप मिलाते हैं तो 30 अलग और प्लस 4 यूनिट अलग, जब मिला देते हैं। ठीक है, 34 को हम बिल्ड करने के लिए, अगर 34 को हमने ब्रेक डाउन किया 30 में और 4 में, इसको अगर छोड़ा जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, तो 30 अलग हो जाता है और 4 अलग हो जाता है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करने के और भी तरीके हैं। तो तरीके देखिए क्या है, ये तो 34 है, इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 20 अलग कर दिया आपने और 14 अलग। अभी भी तीनों में क्या होंगे, 34, 20 और 14, ये आपस में मिलकर 34 होते हैं। एक 34 लिखने का तरीका 30 प्लस 4, और एक 34 को ब्रेक करने का तरीका 20 प्लस 14। ठीक है, नीचे देखिए, देर आर मैनी मोर वेज इन फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू अदर नंबर। 18 और 16 ये भी ब्रेक डाउन है, ये भी क्या बनाते हैं 34। 25 और 9 ये भी मिलकर क्या बनाते हैं 34। 28 और 6 ये भी क्या बनाते हैं 34। एक 34 को आप कई तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे भी 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 कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बुनियाद पर अब हम सवाल कर रहे हैं। वाला राइट डाउन एंड अदर थ्री डिफरेंट वेज इन विच 34 कैन बी फॉर्म बाय कंबाइन। आपको तीन और तरीके से 34 को ब्रेक करना है। जैसे मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 32 प्लस 2, मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ 29 प्लस 5, मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ 21 13। आपको ये सवाल कापी में लिखना है और तीन तरीके से 34 को ब्रेक करना है। एक तरीका तो ये हो सकता है 32 प्लस 2, ये हो सकता है 27 प्लस 27, कितने रहेंगे 34 हो जाए 7। एक तरीका ये हो सकता है 21 प्लस 13। ऐसे तरीके जो मैंने देखे हैं आप जितनी बात 34 को ब्रेक करने के लिए, ये वाले तीन तरीके लिखे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक तो नंबर का नाम होता है, इंग्लिश नंबर नेम 34 एंड द नंबर सिंबल 34। ये नंबर नेम है, बोलते हैं नंबर, वर्ड्स में लिखा जाता है नंबर, उसे कहते हैं नंबर नेम, और जो लिखा जाता है उसे कहते हैं नंबर सिंबल। ठीक है, टेल अस वन ऑफ द मेनी वेज इन विच 34 कैन बी फॉर्म। टू डिफरेंट नंबर से टेल अस 30 अगला पेज पे हम जाते हैं। सवाल ये है कि लुक एट द टू पार्ट्स गिवन इन ईच आइटम। नीचे हर नंबर के दो पार्ट दिए गए हैं, 40 अलग दिया हुआ है, 7 अलग दिया हुआ है। इसका नंबर क्या बनेगा? इसका नंबर बनेगा 47। इसका क्या नंबर बनेगा? इसका नंबर बनेगा 63। इसका क्या नंबर बनेगा? 13।
8, इसका क्या नंबर बनेगा? 4। अब आपको ये वाला सवाल अपनी कॉपी में करना, पहले ही सवाल उतारेंगे आप, ठीक है। सवाल उतारने के बाद आप ये वाला सवाल उतारेंगे ऐसे करके, 40 and 7, और आपने नीचे लिखेंगे 40 + 7 = 47। ये जिसमें मैंने ए किया है उसको बी करना है, फिर सी करना है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा है द पार्ट्स दैट आर मेंशन इन द मशीन पार्ट बेस वैल्यू। जैसे हमने लिखा था 60 और ये 30, जब हमने इसको मिलाया 60, ये 3 यूनिट था, ठीक है, और ये जो 6 है ये 10, तो ये भी प्लेस वैल्यू को जाहिर करता है, इसको जाहिर करता है प्लेस वैल्यू, ये 10 है और ये क्या है, यूनिट्स है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो अब इसके बुनियाद पर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर द प्लेस वैल्यूज फॉर इसमें आप प्लेस वैल्यू पार्ट बताना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू पार्ट अलग करें, 74 है तो 70 अलग कर दें और 4 अलग कर दें। ये कौन सा पार्ट है, 10th का पार्ट, ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है, ये यूनिट का पार्ट। आप हर सवाल के बारे में ऐसे लिखेंगे, 74 के बारे में, 69 के बारे में, 40 के बारे में और 83 के बारे में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम, द कार्ड देख लीजिए, स्कूल के शो नंबर कार्ड प्लेस कार्ड्स, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू कार्ड जैसे ये लिखा हुआ 638, 30 और 8 को बताते हैं। जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो 10 के लिए 10 और 6, इस तरह से आप हम भी बात पहले भी पढ़ते थे डिटेल के अंदर, ठीक है। इसकी बुनियाद पर अपन इसको सवाल करते हैं। सवाल नंबर 4 का ए पार्ट क्या है, विच प्लेस वैल्यू कार्ड टू नीड टू बी 5 to 7। जैसे ये वाला ऊपर प्लेस वैल्यू बनाएंगे 500 की, 20 की, 7 की, इसको मेंशन किया गया है 7 यूनिट है, 10 है और 500 लिखना पड़ेगा। ये क्या है 100, ये क्या है 10, ये क्या है। हर सवाल को इस तरह से आपको अपनी कापी में लिखना है, ठीक है। चलें अगले पेज पर अब हम आ गए नंबर नेम नंबर सिंबल, ठीक है। तो एक ही नंबर को आप जब वर्ड में लिखते हैं तो उसका नंबर प्लेस आता है, जब आप उसको 110 और यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सपेंडेड नोटेशन कहलाता है, और जब आप नंबर को डिजिट के तौर पर लिखते हैं तो नंबर सिंबल कहलाता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, इसमें मिसाल दी गई है एक नंबर 467। 467 को का जो नंबर सिंबल होगा यहाँ पर 467, और ये जो अलग अलग करके 400 अलग, 60 अलग, 7 अलग, ये कहलाता है एक्सपेंडेड नोटेशन, ठीक है। और जो नंबर नेम है 467 है, ये कहलाता है नंबर नेम। बात क्लियर हो रही है आपको, नंबर का नाम लिखा जाता है उसका एक्सपेंडेड नोटेशन के लिए 100 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में, 7 के फॉर्म में लिखा जाता है, उसका नंबर डिजिट के फॉर्म में लिखा जाता है, उसे बोलेंगे 60। इसकी बुनियाद पर हम अब सवाल करेंगे, इसके नीचे सवाल करेंगे।
1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू पार्ट दैट मेक अप 238। ठीक है, इसे प्लेस वैल्यू पार्ट बना, 200 आपने अलग लिखा, 80 आपने अलग लिखा, 3 आपने अलग लिखा, एक्सपेंडेड नोटेशन इसको आप क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू पार्ट्स। ठीक है, नंबर ये नंबर का नाम है, ठीक है, और नंबर का सिंबल क्या होगा, सिंबल ये होगा 200। तो ये क्या होगा, इसको आप प्लेस वैल्यू पार्ट भी कह सकते हैं, एक्सपेंडेड नोटेशन भी कह सकते हैं, एक्सपेंडेड नोटेशन। ठीक है, तो आपको इस सवाल में क्या करना है, आपको इस सवाल में सिर्फ ये जवाब देना है 200 प्लेस वैल्यू बताइए। दूसरा सवाल की तरफ आते हैं, सॉरी दूसरा सवाल, राइट द नंबर सिंबल फॉर 283। अब आपको इस सवाल के जवाब में 283 का नंबर सिंबल लिखना है, कैसे लिखते हैं 283 के लिए नंबर सिंबल। ठीक है, तीसरे सवाल में क्या है, राइट द एक्सपेंडेड नोटेशन फॉर द नंबर 200। अब एक्सपेंडेड नोटेशन लिखेंगे 280 और 50, एक्सपेंडेड नोटेशन और इस सवाल के जवाब में लिखना है। चौथा सवाल क्या है, राइट द नंबर ने 836, इसका नंबर नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे 36। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सवाल उतारना है, उसके नीचे लिखना 836। ठीक है, पांचवा सवाल देखिए क्या है, राइट 836 इन एक्सपेंडेड नोटेशन, इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में 800 अलग लिखा, फिर 30 अलग लिखा और फिर 6 अलग लिखा, ये हो गया एक्सपेंडेड नोटेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करना है, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू पार्ट दैट मेक अप द 836, इसके प्लेस वैल्यू पार्ट बनाना है। 8 क्या है, 100 है, 100 प्लेस वैल्यू है, 3 क्या है, 10 है, ठीक है, और 6 क्या है, इसमें यूनिट्स है। ठीक है, प्लेस वैल्यू पार्ट कैसे बनाते हैं, आप एक नंबर देते हैं, ठीक है, और फिर तीन खाने बनाते हैं, पहला खाना इसका यूनिट के लिए, दूसरा टेन के लिए, तीसरा अंडे के लिए। पहले खाने में आप क्या लिखेंगे, 6, दूसरे खाने में क्या लिखेंगे, 3, और अंडे के लिए कितने लिखेंगे, 8। ठीक है, तो ये सवाल आपको करने हैं। तो चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं, ये 6 सवाल आप अपनी कॉपी में कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा, हाफिज़।